हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त आकाश और आप देख रहे हैं स्टडी विद आकाश। तो दोस्तों, आज मैं शुरू करने वाला हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करते हैं। तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही इजी वे में आपको सिखाऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसे लोग कार्बनिक रसायन भी कहते हैं, रसायन विज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिना कार्बन के तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ही नहीं। तो आज हम लोग उसी के बारे में सीखने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो आने वाली नेक्स्ट वीडियोस भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे रहेंगी। तो दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस पे लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहेंगी और लेटेस्ट ट्रिक के साथ। ठीक है दोस्तों, तो अगर केमिस्ट्री सीखनी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, जल्दी से शेयर करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं मेरा चैनल स्टडी विद आकाश। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहले मैं बताना चाहूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसा कि मैंने बताया, कार्बन का बहुत ही ज्यादा रोल होता है। तो मैं सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिक्स बताऊंगा, उसके बाद फिर बेसिक्स में हम लोग शुरू करेंगे आईपीएससी नोमेनक्लेचर। बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही होता है, आईपीएससी नोमेनक्लेचर सबसे पहले हमको सीखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि पहला फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन होता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लेवोसियर। ये आपको रटने की जरूरत है, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोसियर है। ठीक है, तो आइए हम लोग आईपीएससी नोमेनक्लेचर सीधे शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आईपीएससी आप लोग जानते भी होंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। दोस्तों ये आईपीएससी नोमेनक्लेचर, आईपीएससी एक इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, एक संस्था कह सकते हैं, जो कंपाउंड्स के, कॉम्प्लेक्सेस के नेम अलाउ करती है, उनके नाम रखती है, एक तरह से आप कह सकते हैं सरल भाषा में। ठीक है दोस्तों, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में सबसे पहले मैं बताऊंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं दोस्तों? कंपाउंड ऑफ कार्बन एक्सेप्ट कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे इसे कार्बोनेट आयन कहते हैं, इसे बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी है और ये साइनाइड है। ठीक है, साइनाइड, इसको CNO भी एक ग्रुप है दोस्तों, ये साइनाइड नहीं, इसे CNO, इसमें ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है साइनाइड के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये एक ग्रुप है। और फ्यू कार्बाइड, तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट कार्बोनेट बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड साइनो एंड फ्यू कार्बाइड। ठीक है दोस्तों, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किन्हें कहते हैं? इन लोगों को छोड़ के, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि के छोड़ करके, कुछ कार्बाइडों को भी छोड़ करके, और सबको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं सबको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ क्वालिटीज़ हैं जिसके बारे में मैं आपको, प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले शुरू करता हूँ कैटिनेशन पावर। ठीक है, तो कार्बन, जैसे कि आप लोग के दिमाग में आता होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा हमें कार्बन ही मिलता है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कार्बन के ही कंपाउंड क्यों ज़्यादा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन, उसी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, आप देखिए आगे, कैटिनेशन पावर होती है, क्योंकि कार्बन के पास पहली ये प्रॉपर्टी है कि वो कैटिनेशन पावर बहुत ही ज़्यादा शो करता है, कैटिनेशन पावर बहुत ही ज़्यादा शो करता है। ठीक है, उसके पास, जैसे कि कैटिनेशन पावर में भी मैं आपको बताता हूँ कैटिनेशन पावर होता क्या है। कैटिनेशन पावर की सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी होती है। ठीक है, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी का मतलब कार्बन, जैसे कार्बन की लंबी चेन होती है ना दोस्तों, कार्बन से कार्बन, तो कार्बन बहुत ही ज़्यादा लंबी चेन जुड़ के बना सकते हैं, इनके पास ये एबिलिटी होती है। और किसी आप एलिमेंट को ले लीजिए तो उनके पास इतनी ज़्यादा एबिलिटी नहीं होती कि वो चेन एक लंबी सी बना दें, एक लंबी जितनी चाहे उतनी लंबी चेन बना सकें। तो सबकी एक लिमिटेशन है, लेकिन कार्बन के पास ये लिमिटेशन नहीं है दोस्तों। ये कार्बन आप कई सारे ढेर सारे कार्बन ऐसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, कार्बन कहीं से भी इसकी चेन बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी हो गई सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ते हैं मैक्सिमम फॉर कार्बन इन होल पीरियडिक टेबल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्बन के पास सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद कैटिनेशन पावर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बन, यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड लिखा है, कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि कार्बन ही अपने मिलके एक बहुत ही लंबी चेन बना सकते हैं। तो जितना लंबी चेन बनाएंगे मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है जितना ज्यादा मजबूत होगा, ठीक है दोस्तों, जितना ज्यादा मजबूत होगा ये बॉन्ड कार्बन के बीच, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच ये जो बॉन्ड है ये जितना ज्यादा मजबूत होगा उतनी ज्यादा उसकी कैटिनेशन पावर होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी एक कैटिनेशन पावर। और इसकी एक मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ, फोर्थ ए की जो होती है, कार्बन कार्बन के बीच, सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच, जर्मेनियम जर्मेनियम के बीच, इसका और ये
टिन टिन के बीच और लेड लेड के बीच, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, पहले सबसे पहले कार्बन के बीच, सबसे उसके बाद सिलिकॉन सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम जर्मेनियम, उसके बाद आपका ये टिन टिन, उसके बाद आपका आता है लेड लेड, ठीक है। तो इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, ये है इसकी डिक्रीजिंग आर्डर, ठीक है दोस्तों। इधर देखिए कार्बन से लेड की तरफ जाने पे साइज इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है। और फिर जब बॉन्ड स्ट्रेंथ है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो घटती है, मतलब बॉन्ड की जो ताकत है वो घटती है, तो कैटिनेशन, जैसा कि यहाँ पे आपने बताया बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैटिनेशन पावर, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी तो कैटिनेशन पावर घटेगा, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये जो पीबी है ना लेड, जो ये लेड है, ये जो लेड है, ये कैटिनेशन पावर शो ही नहीं करता, इतनी ज्यादा डिक्रीज कर जाती है बॉन्ड स्ट्रेंथ, इतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी डिक्रीज कर जाती है दोस्तों, ये शो ही नहीं करता, ये शो ही नहीं करता है, ठीक है कैटिनेशन पावर। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पॉइंट के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल पर नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको केमिस्ट्री से जुड़ी नई नई ट्रिकें मिलती रहेंगी और बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।